हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ एक ग्राफ दिख रहा है और एक फंक्शन है एफ ऑफ वी, जिसे हमें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के माइनस 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन 2 kT। और इन जनरल एफ ऑफ वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस 3/2 होगा, यहाँ 3/2 एंड एक्सपोनेंशियल, वेयर वी इज़ द वी एक्स आई, वी वाई जे, वी जेड के, वी इज़ द वेलोसिटी। ये ग्राफ शो हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और वेलोसिटी के बारे में। शुरू में दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पहले इंक्रीज करता है, फिर एक वेलोसिटी के बाद ग्राफ डिक्रीज करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पहले इंक्रीज करता है, फिर एक टाइम के बाद डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ दो टर्म दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, एक टेम्परेचर का टर्म है और दूसरा एक्सपोनेंशियल टर्म। तो जैसे जैसे हम यहाँ टेम्परेचर भी वेरी कराते हैं और साथ साथ वेलोसिटी भी वेरी कराते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपोनेंशियल का मान बढ़ता है, जिसकी वजह से शुरू में इंक्रीज होता है। यहाँ टेम्परेचर एक्सपोनेंशियल में अपॉन में है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू घटेगी, और इसकी वैल्यू घटेगी तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से शुरुआत में ग्राफ इंक्रीज करता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे, ये फैक्टर टेम्परेचर वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिक्रीज होता है। ये हमने टेम्परेचर के लिए अलग अलग स्केल दिखाया है। यहाँ अलग अलग गैसों के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और स्पीड के बीच ग्राफ है, वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मैक्सिमम बोल्ट्जमान प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एफ ऑफ वी इक्वल 4πm/2πkT पावर 3/2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kT, वेयर वी इज द वेलोसिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। यहाँ दिख रहा है ये कॉन्स्टेंट टर्म है और दो फैक्टर है जो यहाँ प्रोपोर्शनल में है, वी स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल पावर। तो वी स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल पावर, यहाँ का जो ग्राफ है वो एफ ऑफ वी, हियर एफ ऑफ वी एंड दिस इज वेलोसिटी। जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे इनिशियली, ये फैक्टर डोमिनेटिंग होगा एंड देन ये इस फैक्टर की वजह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मिलेगा। और ये जो ब्लू लाइन है वो हीलियम को डिनोट कर रहा है, येलो लाइन नियॉन के लिए है और ज़ेनॉन के लिए है ये लाइन। और ये आर्गन हीलियम नियॉन और ज़ेनॉन के लिए दिखाया गया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरा एप्लीकेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका एक्सप्रेशन भी लगभग वैसा ही है सेम, यहाँ नंबर ऑफ वी इक्वल नंबर ऑफ एफ ऑफ वी, पर्टिकुलर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू टोटल नंबर, एंड दिस इज द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर। यहाँ तीन वेलोसिटी दिख रहा है, एक
हम यहाँ पे थ्री वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं जहाँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी रखते हैं। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी। गैस प्रेशर एंड द आइडियल गैस लॉ। काइनेटिक थ्योरी प्रोवाइड्स ए नेचुरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए डाइल्यूट्स लॉ, दैट इज द टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज ई इक्वल टू 3.5 kT। द मीन काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड द मॉलिक्यूलर स्पीसीज। इट इज द सेम फॉर ऑल वैल्यूज। जैसा कि जानते हैं, प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस पी इक्वल टू 1/3 n mv² bar, where n is the number density, that is n/v, number of molecule per unit volume, and mass is the, and m is the mass, v bar is the RMS velocity, capital V is the volume of gas, and p is the pressure. And this term is known as average kinetic energy, which is this average kinetic energy. And finally, 2/3 into n into 3/2 kT, and this is equal to n kT.